Hello, 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 what's up crazy people? This is your boy Swam Fam and Sky here with you another vlog. Hope you all guys are fine. Sky थोड़ी ठीक नहीं थी Sky, but अब ठीक है. अब she is doing fine. नजर ना लगे touchwood. तो यार थोड़ा white कर देते हैं एक second. इसको जाने देते हैं क्योंकि इसको गर्मी लग रहा है अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से. अब मैं श्योर नहीं हूँ, नहीं गर्मी लगता तो चली जाती अभी तक. ये रहती नहीं है इतना देर, चली गई. तो ये बाहर चली जाएगी कुछ टाइम में क्योंकि गाइस हम फैन बंद कर देते हैं. काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग वीडियो बन रहा है. अब जो पिछला लॉन्ग वीडियो था वो था मेरे एक्वेरियम सेटअप के ऊपर, मतलब मैंने एक एक्वेरियम बिल्ड किया था. देवे गाइस आप लोग को जो बैकग्राउंड में ब्लू लाइट दिख रहा है ये कोई लाइट मैंने लगा नहीं रखा है एक्सटर्नली वीडियो के लिए. ये एक्वेरियम का लाइट है जो कि मैंने बहुत ही चीप प्राइस पे खरीदा था. एंड ये लाइट जो है इतना अच्छा फ्लो देता है गाइस, इतना अच्छा फ्लो देता है लाइट का. सोच रहे हो कि मैं ऐसे सो के वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आगे में बैठता हूँ ना तो मेरा सिर वाला एरिया कट जाता है. सो मैं इस तरह से प्रेफर कर रहा हूँ अभी बनाना. एंड अभी पिछले कुछ दिनों में सीन काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे. मेरा फ़ोन टूट चुका था इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं, देखो चली गई ना, मेरा फ़ोन का स्क्रीन टूट चुका था तो मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहा था. मेरे पास कोई आईफोन वगैरह नहीं है, सैमसंग का नॉर्मल सा फ़ोन है M30s. इसी से मैं वीडियोज़ अभी तक जितना भी 100-150-200 वीडियो बनाया हूँ एडिट करके डाला हूँ इसी से. सो इसका स्क्रीन हम लोग चेंज करवा चुके हैं अभी फ़िलहाल. काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का स्क्रीन पहले वाला तो नहीं मिलेगा, बट हाँ स्क्रीन अब इसका पहले से अच्छा वर्क कर रहा है. पहले जैसा स्क्रीन अब ख़राब नहीं है. फाइनली गाइस फ़ोन बना. मैंने फ़ोन के बिना लाइक 1.5 महीना से ज़्यादा स्पेंड किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, एक यूट्यूबर के लिए आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हार्ड ही टाइम होगा. मैं मम्मी के फ़ोन से एडिट करता था, पापा के फ़ोन से अपलोड करता था, मतलब बहुत सारे ट्रबल्स एंड ऑल. इसीलिए आप लोग गाइस लॉन्ग वीडियो नहीं देख पा रहे हो. एंड बाय द वे तुम लोग को पता ही है मुझे शॉर्ट से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना पसंद है. एंड अब अभी कुछ दिनों में मैंने काफ़ी सारा नया सेटअप भी बना लिया है. आप लोग सोच रहे हो कि एक एक्वेरियम तो है तो नया सेटअप क्या. सो मैंने कोई एक्वेरियम बिल्ड नहीं किया है दोबारा. मेरे पास जो पॉट्स थे, दिखा दो यहाँ के, दिखा तेरे को. तो मेरे पास पॉट था, इसको मैंने खाली कर रखा है. एंड मेरे पास दो बेटा फिशेज है. बेटा फिशेज के मेरे पास जो मेल था वो एक मेल था मेरे पास, बट उसके लिए कोई भी पेयर नहीं था, फीमेल नहीं था. मैंने काफ़ी सारे फिशेज लाए बट वो बेटा फिश जो था वो खुश रह ही नहीं पा रहा था, तो मैंने उसके लिए फीमेल लाया है. दिस इज द बेटा फिश का फीमेल. आप लोग को आई डोंट थिंक कि दिख रहा होगा, है कहाँ यार, मेरे को भी नहीं दिख रहा अब तो. अच्छा बॉटम पे है, कैन सी, बहुत छोटा सा है. बट ये जो बेटा फिश है गाइज ये लोडेड है, फुली लोडेड. इस फिश का क्या सीन है ना गाइज, बेटा फिश का क्या सीन है मैं आप लोग को बता देता हूँ. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. फिश कीपिंग कर रहे हो, फिश कीपिंग लाइन में हो, मतलब फिशेज नॉर्मली रख भी रहे हो, तो आप लोग को एटलीस्ट फिशेज के बारे में जानना होता है, तभी आप सक्सेसफुली फिश को बड़ा कर पाओगे, 5-10 साल रख पाओगे अपने पास. अदरवाइज फिशेज लाते हैं लोग, मर जाता है. मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा बहुत बार हुआ, तो उनके बारे में मैंने जानना स्टार्ट किया. एंड यस अब भगवान के मतलब टचवुड नज़र ना लगे, अभी थोड़ा फिशेस मरना कम हुए मेरे पास. अब मेरे पास एक्वेरियम नहीं था तब भी मैं फिशेस रखा करता था, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कहाँ रखा करता था. बट अभी फ़िलहाल इसको परेशान नहीं करते हैं बिकॉज ये एक प्रेग्नेंट फीमेल है. अभी इसको मैंने बेटा फिश से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अभी 1-2 दिन इसको अगल बगल में रखना पड़ता है ताकि मेल बेटा फिश बबल बनाए एंड ऑल काइंड ऑफ शेट. बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं ब्लॉग में नहीं बताता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो. सो इस फिश को मैंने अलग रख रखा था बट ये ग्लास से जंप करके उस बेटा फिश वाले टैंक में चली गई थी, तो मैंने फिर अलग किया दोनों को, बिकॉज अभी तो मैं एक साथ कर दूंगा ना डायरेक्टली तो फाइट कर देंगे एंड मर जाएगा. सो अभी पीछे मेरे दो पार्सल्स थे तो इनको अनबॉक्स करना तो बनता है गाइस अपने व्लॉग्स में, क्योंकि इसमें जो एक चीज़ नीचे वाला है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा चीज़ है, पहले अनबॉक्स करते हैं. तो ये कल ही आया था अपने पास. तो दिस इज अ पाइप गाइस एंड इसमें एक गन इंस्टॉल्ड है, देख सकते हो ये प्रेशर के लिए गन है. एंड ये पाइप मैंने इसलिए लिया था, मतलब मम्मी ने बोला था ऑर्डर करके मंगा लो. पाइप अपने पास था नहीं, पाइप जो था पहले ऊपर छत पे रहता था एक, बट वो स्काई काट दी थी. बट अपने पास नया पाइप आ चुका है. एंड एक्वेरियम में पानी वगैरह भरने में भी दिक्कत होता था एंड दिवाली वगैरह भी आ रहा है, तो घर साफ करने के लिए काफ़ी अच्छा पाइप है. सो इसके नोजल में ये चेंज हो जाता है एंड आप प्रेशर से इसके अच्छे से घर धो सकते हो. ओके सो गाइस मैंने पाइप को अपनी जगह पे उसके रख दिया है एंड अब बारी है मेरे एक शूज़ की अनबॉक्स करने की. तो दिस इज द 8 बॉय शूज़. मेरे को इस प्राइस रेंज में काफ़ी सारे शूज़ मिल रहे थे बट ये मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया. आई डोंट नो क्यों इसमें ऐसा क्या है बट यू कैन सी, मैं दिखाई देता हूँ डायरेक्टली आपको. सो दिस इज द स्नीकर, 8 बॉय लिखा हुआ इसके ऊपर, 8 बॉय. एंड इसके पीछे ये भी है गाइस, यू कैन सी अगर, तो चेन वाला क्या है, आई डोंट नो.
सो दो पेयर ऑब्वियसली शूज के तो पेयर रहते हैं। एंड गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि मैंने कितना सारा सेटअप कर रखा है एंड उसमें से कुछ गुड न्यूज़ भी हैं। तो गाइज, तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरा जो कंटेंट है पर्सनली वो काफ़ी ज़्यादा एनिमल से रिलेटेड जा रहा है एंड मेरा ब्लॉग स्टार्टिंग में कुछ और था एंड बीच में कुछ और चैलेंज है। मेरे को खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस रहता है कि मैं कंटेंट बहुत ज़्यादा शिफ्ट करता हूँ एंड कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मिक्स कंटेंट अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, जो कि मेरे लिए भी एक मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए दोनों के लिए दिक्कत वाली बात है। बट मैं एक ऐसा लड़का हूँ गाइस जिसको अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तरह तरह की कंटेंट डालना पसंद है। सो यस, मैं वही करता हूँ अपने चैनल के साथ, जो कि गलत है मेरे लिए भी एंड मेरे चैनल के लिए भी। बट डोंट वरी गाइज, अब से रेगुलरली एनिमल रिलेटेड कंटेंट आएंगे एंड आई होप कि तुम लोग भी जितने बंदे होगे उन्हें एनिमल्स के बारे में जानना, एनिमल्स को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ज़्यादा एनिमल्स नहीं हैं, आई हैव फिशेज, टर्टल, जो कि इलीगल शिट बताते नहीं गाइज इस वीडियो में टर्टल को दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इसके साथ अलग ही सीन है भाई। तो मेरे पास फिशेज हैं, टर्टल्स हैं और फिशेस भी, फिशेस के 1, 2, 3, 4, 5 वेराइटीज़ ऑफ फिशेस हैं एंड पांचों का सेपरेट टैंक अलग अलग है। मैंने एक ही कम्युनिटी टैंक नहीं बनाया है, पांचों का अलग अलग सेपरेट टैंक है, टैंक या पॉन्ड जो भी बोल लो। मेरे पास एक डॉग भी है जो कि अभी कुछ देर पहले यहाँ था, वो डॉग नहीं है गाइज बाय द वे। इसको इसीलिए हम नहीं बोले एनिमल में कंसिडर नहीं किया अभी तक, क्योंकि वो गाइज डॉग नहीं है, वो अपने फैमिली मेम्बर की तरह हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले मैं बता रहा था जैसे कि स्काई को स्लाइन वगैरह भी हुआ था, तो वो फेज़ काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला फेज़ था, क्योंकि वो फेज़ में गाइज स्काई हम लोग को बिल्कुल सोने भी नहीं दी, खुद भी परेशान थी तो हम लोग कैसे ही सोते एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब रेगुलरली बेसिस पे आवाज़ निकालना शुरू कर दिया था उसने, लाइक अब बोर हो रहा तुम लोगों को। तो मैं सबसे पहले तुम लोगों को स्टार्टिंग से करता हूँ, अपना टैंक दिखाता हूँ जो मैंने टैंक प्रीवियस वीडियो में बनाया था। लेट्स गो गाइस, आर यू गाइस रेडी? तो मेरे हाथ के पीछे मेरा टैंक जो कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। रेडी, 3, 2, 1। सो दिस इज द फिश टैंक विच आई मेड वन मंथ एगो या फिर ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, बट इधर देख सकते हो तुम लोग। मैंने शुरू में काफ़ी सारे फिशेस इसमें बड़े बड़े ऐड किए थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू फिशेस थे एंड उनको मैंने वापस शॉप पे दे दिया, क्योंकि गाइस जो फिशेस थे वो बिल्कुल लड़ाकू थे एंड एक दूसरे को मार रहे थे, पंख नोच रहे थे, क्योंकि मेरे को नॉर्मल गोल्ड फिशेस रखना बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। मेरे को चाहिए फिशेस जो थोड़ा सा एग्रेसिव हो, लाइक स्काई भी देख सकते हो तुम लोग। स्काई को भी मैंने जर्मन शेफर्ड ब्रीड इसलिए चूज़ किया क्योंकि गाइस वो एक अग्रेसिव ब्रीड होते हैं एंड मेरे को अग्रेसिव चीज़ें थोड़ा सी ज़्यादा पसंद आती हैं, लाइक नॉर्मल नहीं, लेबरा वगैरह आई डोंट लाइक दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे हैं एंड ये फिशेस थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहती हैं गोल्ड फिशेस से, क्योंकि गाइस इन फिशेस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। देख सकते हो अभी कैसे किया, इन फिशेस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है एंड जो ऑस्कर्स हैं गाइस इनको वाटर डॉग्स कहा जाता है। ऐसा क्यों, देखो मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पे से मैं लाइट वाला निकल गया गाइस। ओ ओ ओ ओ के निकल जा, निकल निकला। सो देखो अभी जैसे मैंने फ़िल्टर ऑफ किया, तुम देख सकते हो यहाँ पे फिशेज आना स्टार्ट हो गई हैं। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे फिशेज आना स्टार्ट हो चुकी हैं एंड देखो ये देखो मेरे हाथ इधर है ना, तो इधर सारे फिशेज आ जाएंगी। सो फिशेज जो होती हैं ऑस्कर फिशेज, ये आप लोग को ग्रीट करती हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप लोग आते हो तो आपको अटेंशन देंगी एंड आपके हाथ के साथ मूव भी करती हैं। देखो मैंने हाथ इधर किया एंड यू कैन सी, एंड मैं इधर फिश लाता हूँ तो देखो मेरे फेस जिधर गया ना उधर आएंगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी फिशेज हैं। अभी 1-1.5 घंटा में इनको फीड देंगे हम लोग, बट अभी टाइम नहीं हुआ क्योंकि मैंने इनका 3 टाइम फीड रख रखा है, क्योंकि अभी ये बेबी ऑस्कर हैं एंड ये ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ मंथ्स की बेबीज होंगे एंड इसमें 3 है अल्बाइनो ऑस्कर एंड 2 है टाइगर ऑस्कर। इसका एक का पैटर्न बहुत प्यारा है एंड एक है कॉपर आई थिंक सो, मेरे को पता नहीं है इस ऑस्कर के बारे में, बट ये बहुत ही मतलब इसका प्लेन रहेगा इधर एंड गोल्ड कलर का हल्का आएगा। सो ये मैंने काफ़ी अच्छे फिशेस कलेक्ट किया है एंड इनका साइज ऑलमोस्ट आधा टैंक तो नहीं कहूँगा, बट इतना से लेके इतना चला जाता है एंड इसमें 5 ऑस्कर्स है एंड मैंने तो 5-5 हज़ार के ऑस्कर्स देखे हैं गाइज बस इतना साइज का। तो ये बड़ा हो जाएंगी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, मैं चाहूँगा तो इनको सेल भी कर सकता हूँ, बट मेरे को तो मेरा तो कोई प्लान नहीं है एंड ऑब्वियसली अगर आप कुछ पाले हो तो
से सेल करने में ऑब्वियसली ख़राब लगता है। एंड देख सकते हो मैंने आपको इसके कितना प्यारा बना रखा है, स्टोन्स हैं एंड पीछे वाले स्टोन्स मैंने कलेक्ट किया है एंड आगे वाला मैंने ख़रीदा है। एंड इधर एक ड्रिफ्ट बूट लगा हुआ है जो कि क्रीपी वाइब देता है एंड पीछे हाइडिंग स्पेस है एंड इधर रूट से लग रखा है एंड इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आई कैन से सी वाला फील एंड ऑल आते हैं। सो दिस इज़ माई 2.5 feet एक्वेरियम जिसको मैंने बहुत ही प्यारा एक्वास्केप किया है। मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं। सो दिस इज़ समथिंग विच आई लव टू सी। मैं इनको खाना देना पसंद करता हूँ, मैं इनको देखना पसंद करता हूँ, मैं एक ही घंटा बैठ के इनको देखते रहता हूँ। ये है बेटा फिश का बाउल, जो दो है बाउल मेरे पास बट एक खाली कर रखा है मैंने क्योंकि कोई इनका ब्रीडिंग करवाना है। तो पीछे देख रहे हो फीमेल बेटा फिश है, इसको मैंने ग्लास में करके रख रखा है तो ये इसको इग्नोर करो। सो यहाँ पे एक सेटअप है, सेटअप तो क्या ही मतलब बेटा फिश रख रखा है मैंने, प्यार लगते हैं मुझे काफ़ी अच्छे प्यारे फिश रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बेटा फिश आती हैं। बट एक मेरे पास ब्लू वाला था वो काफ़ी प्यारा था। अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद आता है तो मैं उसके पीछे थोड़ा सा ज़्यादा पागल हो जाता हूँ। लाइक फिशेज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फिश कीपिंग पसंद है एंड एनिमल कीपिंग भी पसंद है तो मेरे को एनिमल्स को रखना पसंद है। एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो मैं एक में तो मन आता नहीं है, मन लगता नहीं है। तो मेरे पास कुछ 1, 2, 3, 4, 4-5 सेटअप है। तो दो बाउल था यू कैन सी एंड एक एक्वेरियम हो गया बड़ा वाला। एंड गाइज अभी जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो आप लोग आपके घर पे भी बना सकते हो बट इधर जो है वो मेरे को आज खुशखबरी देखने को मिली है जो कि है गाइज मैं बताता नहीं हूँ यार नज़र लग जाएगा। सो दिखा देते हैं यार डायरेक्ट। सो दिस इज़ समथिंग विच आई लव ऑल्सो। इसमें मैंने रख रखा है पोलर पैरट एंड पोलर पैरट गाइज यहाँ पे इमेज आ जाएगा स्क्रीन पे, वो भी काफ़ी सुंदर फिशेस हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलते हैं शॉप्स में बट उनका ब्रीडिंग मैं करवाने वाला हूँ एंड ब्रीडिंग हो भी चुका है बाई लक। आज मैंने देखा था उनका मैं पिक्स डाल दूंगा, आप लोग बता दो अगर वो हैं ऑलरेडी लोडेड तो बता देना आप लोग अगर जो भी फिश कीपिंग में है तो इसके अंदर घुस रखे हैं वो सब अभी क्योंकि एक्स ले वगैरह करेंगे। तो यस ऑल ऑफ द सीन्स आर हैपनिंग हियर एंड उसके जस्ट नीचे है गाइस यहाँ पे ऑस्कर का पॉन्ड। जोकर बेबीज़ हैं वो ऑलमोस्ट 2 मंथ के होंगे, 1.5 मंथ 2 मंथ के, बट ये जो है अपना 4-5 महीने का ऑस्कर, इधर ऑस्कर एक इधर है उसका भी मैं वीडियो प्ले कर दूंगा अभी क्योंकि वो तो आई डोंट थिंक दिखेगा। वो रहा अपना टर्टल देख सकते हो एंड ये एक फ़िल्टर है DIY फिल्टर जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आप लोग को जानना है ये मैंने कैसे बनाया है तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं बता दूंगा। बट फिलहाल तो ऑस्कर को थोड़ा बुलाते हैं गाइस। आजा यार। सो देख सकते हो गाइस मैंने अपना फ़ोन का टॉर्च इस्तेमाल किया एंड वहाँ पर है गाइस ऑस्कर अपना, दिख सकता होगा तुम लोग को। सो ये भी मेरे को ऑस्कर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो मेरे को ऑस्कर फिश कीपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होकर सुंदर दिखते हैं। एंड मैंने एक एयर स्टोन इधर भी डाल रखा है, इधर फिल्टर है DIY करके मोटर लगा के बट वो फिल्टर मैं कम ही चलाता हूँ बिकॉज ये 24 आवर्स चलते रहते हैं। एंड मैंने एक ही ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन लगा रखा है, देख ये नीचे ऊपर में चल रहा है एंड एक नीचे में चल रहा है। तो ऐसा मैंने कैसे किया है, ये एक ऑक्सीजन है गाइस देख सकते हो तुम लोग। सो ऐसा मैंने किया है वेट इस चीज़ की मदद से, आप लोग देख सकते हो ये टी है ना, ये टी की मदद से एक ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ, एक से जा रहा है ऊपर, एक से जा रहा है नीचे। सो देख सकते हो तुम लोग। सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा अपना ब्रीडिंग सेटअप लग रखा है, इसमें ब्रीडिंग्स होते हैं एंड बाय लक हो जाए भगवान की दया से तो अच्छा रहेगा, इन फ्यूचर हम लोग उसको सेल भी कर सकते हैं फिशेज को। अभी तो रात हो चुका है तो मैं बाहर निकलने का कम ही सोच रहा हूँ, वैसे देखो अगर निकलेंगे तो दिखाएंगे तुम लोगों को बट अभी तो कम ही चांसेस है। सो यस गाइज ये था एक छोटा सा फिश रूम अपडेट के ऊपर। मैंने अपने ही रूम में 2, 3, 4, 5 सेटअप रेडी कर रखे हैं फिशेज का एंड उसमें मैं ट्राई करता हूँ ब्रीडिंग हो जाए क्योंकि एक फिश कीपर के लिए ब्रीडिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी बात है। सो यस पीछे स्काई है एंड मैं और स्काई आज इस वीडियो को आउटरो एक साथ देना पसंद करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल व्लॉग गाइज, जिन लोगों ने भी व्लॉग पूरा देखा है थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप यू ऑल गाइज लाइक द व्लॉग। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो एंड बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाना, उससे कुछ होता नहीं है फिर भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।